इलेक्शन होने के इम्कान तो नज़र नहीं आते जिस तरह के यहाँ की और इख्तलाफा क्यों? क्योंकि हम समझते हैं उनके साथ एंड टेन परसेंट मैं कह सकता हूँ की ये इमरान खान ही नेक्स्ट वजीर है किसी को भी नहीं दूंगा वजह

पब्लिक से जानना चाह पब्लिक की राय जानना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में वो किस पार्टी को वोट देंगे और किस बिना पर आपका नाम मोहम्मद इम्तियाज़ मोहम्मद इम्तियाज़ अपकमिंग नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है पंजाब में चौदह मई को तो आप आ, किस पार्टी को वोट देंगे मेरा वोट तारीख इंसाफ को है क्यों क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान वो वायद लीडर है जो मुल्क को जो है ना इस बुरान से निकालेगा अभी जो मीशत का सूरतआल है जो टेर्रिज़्म है जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा कुछ इस हुकूमत ने आके मतलब है कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया अब वो वह लीडर है जो इस बुरान को निकाल सकते हैं मुल्क को अच्छा तो आपने पिछला इलेक्शन में किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन में भी हमने इंसाफ को वोट दिया था और इस इलेक्शन में भी वोट देंगे क्योंकि अब जो महंगाई आया हुआ है तो ये बर्दाश्त से भी बाहर है अच्छा क्या चौदह मई को इलेक्शन हो मेरा नहीं ख्याल कि अभी चौदह मई को इलेक्शन होंगे चौदह मई को नहीं होंगे लेकिन इलेक्शन होंगे इन शल्द जब भी इलेक्शन होंगे आप किसको शरीफ और कोई सलेमान से को तो मुझे यकीन है कि पी टी आई इन क्लिन स्वीप करेगा अगला जी जी, नाम के में। आप वोट किसको देंगे मैं पी टी आई पीपल्स पार्टी और नो लिंग मैं भी पी टी आई को वोट दूंगा इनशा उसकी वजह यह कि इमरान खान एक ईमानदार लीडर हैं हम समझते हैं कि वो एक ईमानदार लीडर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हमारे जो पसमानदा इलाका है हमारा डी जी खान तोसा शरीफ उसने वहाँ के एक मतलब गरीब खानदान के उस्मान बुजार को उसने वजरे बनाया था अच्छा तो इस वजह से उस डिस की वजह से हम इमरान खान को अभी इमरान खान के ऊपर हंड्रेड प्लस केसेस बनाए हुआ है तो अब क्या होगा इस केसेस का मेरे ख्याल में केसेस से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नाइली की कोई चांसेस नहीं है और इन शाला वो एक बार फिर पाकिस्तान के वजे बन जाएंगे वाले आपका नाम अब्दुलरहमान कहाँ से ताल्लुक है मैं राहुल पिंडी इस्लाम पंडी पिंडी तो नहीं, नहीं, नहीं सर बस ट्विंग सिटी के दरमियान में ही आपका भी इलेक्शन है पंजाब में चौदह मई को इलेक्शन होगा कि नहीं सर इलेक्शन होने के इम्कान तो नज़र नहीं आते जिस तरह के यहाँ की सिचुएशन हमारे मुल्क की और इख्तलाफा जो नज़र आते तो अगर हो जाते हैं तो उसके हवाले से हमें अच्छा है क्योंकि हमें रिलीफ मिलेगा हमें अपना मतलब लीडर चुनने का एक मौका मिल जाएगा कि हमें खुशी हो इस बात की कि अच्छा लीडर आए हमारे मुल्क में जो मतलब बहुत से इकदाम ऐसे जो बहुत से काम हैं जो करने के हैं अभी बाकी या है, दूरें हैं मैं कहता हूँ वो पूरे हो जाएँ बस अच्छा आ, आप इलेक्शन अगर हुआ तो आपने किसको वोट देना है पीटीआई टी आई नून लीग और या पीपल्स पी पार्टी जी सर देखें जिस तरह की कार्तिया हमने देखी है गुजशत पिछली हुकूमत ने जो कार्तर्दी की है उसके हवाले से हमें नज़र आता है कि इमरान खान की मतलब बेहतर हुकूमत गई है तो इससे यह है कि हमें यही लगता है कि इन में से बेहतर तो इमरान खान ही है फिलहाल तो हम वही कोशिश करेंगे उसी को दें सब वोट क्या इमरान खान दोबारा पाकिस्तान का वज्रजम बनते नज़र आ रहे हैं अगर इन्होंने इलेक्शन करवाया तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं कह सकता हूँ कि ये इमरान खान ही नेक्स्ट वजी अज़म बनेगा जिन्हें तो इनके ऊपर तकरीबन हंड्रेड प्लस कैसेस है उनका क्या बनेगा सर उनका ये है कि देखिए सिफारिशें और ये चीज़ें जो मतलब मुल्क को एक दूसरे की तरफ मायल करने वाली बातें हैं ठीक है एक दूसरे की सिफारिश लेना वोट खरीदना ये चीज़ ना हो तो मैं हंड्रेड एंड टेन परसेंट कह सकता हूँ कि ईमानदारी वाले वोट हों तो इमरान खान को कोई हरा ही नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में तो इस वक्त पाकिस्तान का टॉप लीडर आपके नजरे में कौन है लास्ट मेरे हिसाब से इस टाइम लास्ट लीडर जो रह गए इमरान खान ही उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुल्क को कोई संभाल सकता है इस वक्त अच्छा सलाम भाई आपका नाम और आसिफ कहाँ से हैं आप मैं कश्मीर से बेसिकली अब, अब आ, क्या करते हैं वैसे मैं स्टडी करता हूँ कौन से क्लास में सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में।, में अच्छा ये आपका भी इलेक्शन अगर आप पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में अगर इलेक्शन हुआ तो आप कौन किस पार्टी को आप वोट देंगे पी टी आई नू लीग और या पीपल्स पार्टी हम पीपल्स पार्टी को देंगे पीपल्स पार्टी जी क्यों सपोर्टर ही उनके हैं कोई खास वजह खास वजह जब से भट्टो था उनके साथ थे अच्छा भट्टो के जाले हैं हाँ बहुत बड़े अच्छा तो अभी पीडीएम की हुकूमत है उसमें तकरीबन तेरह चौदह पार्टी की हुकूमत है तो इन्होंने कुछ रिलीफ नहीं दिया यानी इसमें आप पीपल्स पार्टी आपके हुकूमत भी शामिल है तो क्या कहेंगे आप इस गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट का यही कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो बस पाकिस्तान में कोई काम नहीं करती महंगाई बढ़ती जाती है जो भी आता है महंगाई करता है कोई अच्छा काम नहीं किया इन्होंने आज तक तो अभी जो रिसेंटली जो महंगाई अरूज पे है और ये जो साठ सत्तर हज़ार जो जिनकी तो सैलरी है तो उनके घर चलाना बहुत मुश्किल है तो आप आ, क्या कहेंगे अपनी पी टी एम हुकूमत से आपके पीपल्स पार्टी के अचार लाल भुट्टोज क्या क्या मैसेज मे, देंगे आप यही कहूँगा कि गरीबों के बारे में सोचें गरीबों के पास इतना अफोर्ड नहीं होता कि वो इतनी महंगाई में चीज़ें महंगी लें और मेहरबानी फरमा के उनके लिए कुछ सोचें उनके बारे में ख्याल रखें वो भी हमारी तरह इंसान है आपकी तरह इंसान है और उनके लिए कुछ सोचें वालेकम्सम भजन आपका नाम मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर कहाँ से लालू रखते हैं आप मैं सियालकोट से शालीकोट से क्या करते हैं आप मैं स्टडी कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में साथ में लैंग्वेज की स्टडी कर रहा हूँ माशा ये अपकमिंग इलेक्शन पाकिस्तान में चौदह मई को इलेक्शन होगी जी मुमकिन है नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं इसके रीज़न रीज़न जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हाँ हा। तो हुकूमत जो है वो नहीं करवाना चाहती तो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। मैं तीनों को किसी को भी नहीं दूंगा वजह कोई अहल ही नहीं है वोट लेने के लिए इसका मतलब आपकी नज़र में पाकिस्तान में कोई लीडर ही नहीं है नहीं है कोई लीडर नहीं है आप ज़रा एक्सप्लेन करेंगे देखें नून लीग की हुकूमत थी पहले उसके बाद इमरान खान आया इमरान खान ने आके कितनी महंगाई की है उसके बाद अब जिस तरह ये पीडीएम की हुकूमत आई है इन्होंने उससे डबल कर दिए महंगा हाँ जी तो उससे पहले इमरान खान रिस्पांसिबल कौन है इमरान खान की हुकूमत से पहले कौन था उससे पहले भी डॉलर कितना था इमरान खान ने बढ़ा बढ़ाया आके फिर उसके बाद जब अब नई हुकूमत आएगी और बढ़ेगा डॉलर कम नहीं होगा तो फिर आप अपने वोट ज़ाया क्यों कर रहे हैं इसका मैं किसी को दे किसी को भी नहीं दे रहा कोई अहल ही नहीं है वोट लेने के लिए फ्यूचर में आपकी नज़र में कोई है ऐसा कुछ अगर न्यू अच्छा कोई लीडर आया पसंद आया तो काम करेगा वाम के लिए खुश करेगा वाम को तो इन कास्ट करेंगे वोट ना? आपका नाम जबी अल्लाह कहाँ से ताल रखते हैं आप वजीस्तान वजीस्तान क्या करने के लिए आप पढ़ने के लिए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मैं अकेडमी पढ़ता हूँ इंग्लिश अच्छा आने वाले इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट देंगे पीटीआई टी आई लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई क्यों वो तो इंसाफ खास वजह इंसाफ वाले बस इंसाफ वाले उनका हुकूमत में अमन होता है हमारे कार्रवाई के ऊपर अमन अभी भी है अभी नहीं है अभी तो क्या अमन के दर सा है अच्छा अभी अमन नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट इलेक्शन में आप इमरान खान को आप देखेंगे इमरान खान को देते हो आएंगे हाँ आएँगे इनशा आएंगे अजी आएंगे, इसके ऊपर अभी डेढ़ सौ सौ ऊपर जो ना हंड्रेड प्लस केसेस है, है। उसका क्या बनेगा वो ख़त्म होंगे वो तो जोट है एक ही अच्छा केस नहीं है सच एक ही नहीं है सब जोट है पिछले दफ़ा आपने किसको दिया था वोट इमरान खान को इमरान खान को ही इस दफ़ा भी पक्की बात है पक्की आपका मुख्तार अहमद मुख्तार साहब कहाँ से करते मैं आ, क्या करते हैं आप मैं जॉब करता हूँ अच्छा। ये, कर भी में आपने किस पार्टी को वोट देना है पीपल्स पार्टी आ, नून लीग या पी, टी मैं इनशाला को दूंगा खास बात ये है ये काम करते हैं अच्छा जी जी तो क्या काम किया क्यूँकी ऐसे कारनामे आप मेट्रो किसने बनाई है ये मोटरवे किसने बनाई है अच्छा ये नून नहीं बनाई है ठीक अच्छा, है जी, ये बात दूसरा है मसला ये है नब इमरान खान आया है ना ये महंगाई शुरू हुई है इमरान खान जब था उस वक्त जो ना डॉलर कितने ये महंगाई उधर से ही शुरू हुई है खान है। जी जी अब से बताएं मैं बता ये सिलसिला उधर से शुरू हुआ है जब इसने महंगाई शुरू की लोग कहते थे देख लो ये तब्दीली आई है उधर से सिस्ला है ना। अच्छा, तो, आ, ये अभी हुकूमत और इलेक्शन से क्यों भाग रहे भाग तो नहीं रहे वो कहते हैं एक दिन कराएं आप अच्छा उसमें सारे मुतफिक हो जाएं भाग तो नहीं ना रहे वो तो कहते हैं एक दिन सब इलेक्शन हो क्योंकि चौदह तो मई को इलेक्शन होगी नहीं नहीं ये नहीं होंगे नहीं होंगे आ, शौर शौर। अच्छा तो कब होंगे ये इनशाला मेरा तो ख्याल है होंगे या नहीं होंगे लेकिन एक दिन होने चाहिए एक दिन जी जी अच्छा वो एक दिन कब आएंगे जी वो एक दिन कब आएंगे ये जब सर मुतफिक हो जाए

तो अभी ये गवर्नमेंट कम नहीं कर सकता उसको गवर्नमेंट किस तरह कम करके उसने सारे वादे किए थे पीटीआई? अच्छा इमरान खान ने तो फिर आपका वोट अगला जे को है इनशा जो फजल को आप इन अगला अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप जी बी ट्रो न्यूज एस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक वक्त पहुँच सकें